मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे, हमारा तीसरा मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज क्यों करते हैं, क्वेश्चन अराइज हियर। तो पहली बात यह आती है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो इसके दो तरीके हैं, नंबर एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नंबर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दो प्रकार से जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो किस प्रकार से इसको करते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं। ये कहा जाता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज अब तब करते हैं कि जब दो बिजनेस, एक कोई दो फर्में एक व्यापार करती हो और एक फर्म कम कैपिटल लगाकर अधिक पूंजी कमाती है और एक फर्म अधिक कैपिटल लगाकर जो है वो कम प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंडीशन में जो है ये कहा जाता है कि उसकी फर्म की गुडविल उस फर्म की गुडविल मानी जाएगी जो कम कैपिटल लगाकर जो है अधिक गुडविल कमाती है। ठीक है जी, तो इस विधि के अंतर्गत आप जब कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं तो किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और गुडविल उसकी अधिक मानी जाएगी जो कम कैपिटल लगाकर, या सिमिलर टाइप के दो बिजनेस हैं दोनों ने जो है वो समान रूप से कैपिटल लगाई है, एक बिजनेस जो है उतनी कैपिटल लगाकर जो है बहुत अधिक प्रॉफिट कमाता है और एक बिजनेस जो है उतनी कैपिटल लगाकर जो है कम प्रॉफिट कमाता है, तो इस किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है इस विधि के अंतर्गत, तो हम वो देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला मेथड है जी आपका कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ जो कैपिटलाइजेशन मेथड का बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस प्रकार से किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद क्या करते हैं आप कैपिटलाइजेशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का। अगर आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पहले से ही एवरेज प्रॉफिट दिया है एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। आप एवरेज प्रॉफिट तो आप निकालेंगे यदि आपके पास एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, तो आप टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं और कैपिटलाइजेशन, उसके बाद नंबर सेकंड स्टेप में आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आता है। उसके बाद आप गुडविल को निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को घटाते हैं और जो अंतर की राशि होती है वही गुडविल होती है। गुडविल को निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू जो आपने निकाली उसमें से जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की उसका जो डिफरेंस होता है वही राशि जो है। नंबर 18, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 18,000, द कैपिटल ऑफ द फर्म जो आपने एम्प्लॉयड की हुई है वो है 1,20,000 और 10% जो है रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो किस प्रकार से इसको करते हैं। तो हमारे पास जो है मैंने जब भी आपने निकालना है तो मैंने जैसे आपको बताया एवरेज प्रॉफिट निकालने की बजाय अगर आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट को आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और ये आपके पास दिया हुआ रुपीज 18,000, ये आपके पास दिया है रुपीज 18,000, तो सबसे पहले तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, अदरवाइज हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, अब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट का, तो ये आपके पास एवरेज कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट को लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ 18,000। ठीक है जी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आया रुपीज 1,80,000। ठीक है जी, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने गुडविल निकालनी, तो गुडविल निकालनी बहुत सिंपल है क्योंकि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, जो चीज गिवन है उसको आप पहले लिख लें, सारी चीजें जो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास दी हुई है, ये दी हुई थी आपके पास 1,20,000 जो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, और आपने कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाली, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाली आपने, ये आपके पास आई 1,80,000। तो किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपके पास आप सभी जानते हैं कैपिटलाइज वैल्यू आपके पास 1,80,000 आई और आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की 1,20,000, तो आपके पास जो गुडविल की वैल्यू आई है रुपीज 60,000। तो इस प्रकार से ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार से जो है वो कैपिटलाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड बाय ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, किस प्रकार से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमने एक पार्ट किया इसका कि कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट,
कि जिसमें हम करेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। किसी भी मेथड को कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल का यूज करें आप, आंसर सेम आएगा। हम एक प्रैक्टिकल करके भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन अराइज़ कि सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगर एच के प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया है तब तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि नहीं दिया है तो आपने निकालना है, जिसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है जी। उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल डे डिवाइड बाय 100। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपके पास आता है वो सुपर प्रॉफिट आता है। फिर जब आप गुडविल निकालेंगे तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो किस प्रकार से जो है इसकी वैल्यूएशन करते हैं, दोनों मेथड से एक साथ हम करते हैं, जब आप देखेंगे कि आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और सुपर प्रॉफिट मेथड से दोनों से जब साथ वैल्यूएशन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्लियर लिखा है कि ए फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज 33,000 इन सेट ऑफ सच टाइप ऑफ बिजनेस 15% रिटर्न इज रीजनेबल रिटर्न एंड द टोटल एसेट जो आपके पास दिए हुए हैं वो दिए रुपीज 1,80,000 और लाइबिलिटी जो दी आपके पास वो 20,000 दी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो किस प्रकार से इसको करते हैं, पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। तो किस प्रकार से पहले मेथड के अंदर मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर हमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास दी नहीं है। तो कैपिटल इंप्लॉयड जो होती है वो एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होती है। जो चीज गिवन है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए क्वेश्चन को करने से पहले। फिर उसके बाद हमने कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी है। तो कैपिटल इंप्लॉयड जो होती है वो एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होती है। एसेट हमारे पास दिए 1,80,000 हम उसमें से जो है घटाएंगे क्या जी 20,000 की जो आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी घटाने के बाद जो आपके पास आई वो एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड आई और दैट इज रुपीज 1,60,000 160,000 रुपया आई आपके पास। फिर आपने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट जो है आपके पास दिया हुआ है रुपीज 33,000, ये भी आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने कैपिटलाइजेशन करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है आपने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो आपके पास दिया है एवरेज प्रॉफिट 33,000, 33,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपका 15% दिया हुआ है। तो आपके पास जो आया वो आया जी 2,20,000। तो 2,20,000 जो आपके पास आई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपने गुडविल निकालनी है। गुडविल जो होती है वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, जो आपकी कैपिटल इंप्लॉयड है उसको आपने इसमें से माइनस करना है। तो आपके पास जो कैपिटलाइज वैल्यू आई वो आई जी 2,20,000 और इस 2,20,000 में से अगर आप एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड जो आपके पास जो आपने निकाली थी 1,60,000 तो अगर आप निकालेंगे तो आंसर जो आपके पास आया वो आया 60,000। तो ये तो था जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम करेंगे दूसरा, जो इसका दूसरा ट्रिक बताया है वो बताया है जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है वो किस प्रकार से करते हैं वो भी आप देखेंगे, आंसर सेम आएगा। मैंने आपको इसलिए बताया ये दोनों एक साथ इसलिए करने को बताया कि अगर आप देखेंगे कि तो चाहे इसी मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन ना दियो कैपिटलाइजेशन मेथड से तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड में से किसी का भी यूज करने पर आंसर हमेशा सेम आएगा। तो सबसे पहले जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ या हमारे पास दिया रुपीज 33,000। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया जी आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड दी आपके पास 1,60,000 जो आपने यहाँ निकाली थी 1,60,000, इसको आपने नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड किया तो आपके पास आई रुपीज 24,000। तो ये आपके पास रुपीज 24,000 आ गई। अब आपने क्या निकालना है जी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट, ये आपके पास रुपीज 33,000 है, ठीक है जी। और इसमें से आपने नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी आपने निकाला ये 24,000 है, तो ये आपके पास आया जी 9,000। फिर आपने क्या निकालना जी, आपने निकालना गुडविल। गुडविल को निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के अंदर है
कि सुपर प्रॉफिट को आपने 100 से डिवाइड करना है, नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है, तो आपके पास आया जी 9000 × 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट जो आपको 15% दिया हुआ, और अगर आप इसको निकालेंगे तो ये भी वही आया जो आपका एवरेज प्रॉफिट से आया, दैट इज ₹60,000। तो किसी भी मेथड का यूज करें आप कैपिटलाइजेशन मेथड में, वेल इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन, आप एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड में से गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, और आप यू विल फाइंड दैट आप किसी भी मेथड का यूज करें आंसर जो है दोनों का सेम आएगा, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करें चाहे आप सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करें, दोनों के अंदर जो है वो आंसर सेम आएगा, इस बात का ध्यान रखें आप। तो किस प्रकार से कैपिटलाइजेशन किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन की जाती है या कैपिटलाइजेशन मेथड द्वारा किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये आपके पास सामने था, क्लियर। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़ेंगे करेंगे, इसके बाद जो है आपके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट आपके पास लास्ट 6 ईयर का दिया हुआ है, पहले साल आपको लॉस हुआ और बाकी सारे सालों में आपको प्रॉफिट हुआ, ये बोलता है कि आपने जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके पास दी हुई 3 लाख और आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% दिया हुआ, ये बोलता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो तीनों मेथड से जो है वो किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, सबसे पहले हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो चीज गिवन है उसको आप लिख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिए, हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई थी, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो गिवन तो आप पहले लिखें, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना है, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 6 सालों का, जिसमें आपके पास जो है वो किस प्रकार से इसको आप निकालेंगे और इसको आप जोड़ेंगे, तो आपके पास जो है 18,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, ठीक है जी, ये आपका लॉस है 18,000 का, और प्लस 55,000 प्लस 65,000 प्लस 95,000, और इसको आप डिवाइड करेंगे 6 से, जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप प्लस की रकमों को जोड़ेंगे और माइनस उसमें घटा देंगे तो आपके पास आया 2,52,000 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 42,000, ये आपके पास आ जी 42,000। फिर उसके बाद आपने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करना है, तो जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 42,000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर दिया आपके पास 4 ईयर, तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू आई है ₹1,68,000। तो इस प्रकार से आपने गुडविल की वैल्यूएशन की विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपके पास जो है एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है या एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाल लिया था वो आपके पास दिया हुआ है ₹42,000, जो आपने निकाला था फाइंड आउट किया था, मतलब आपके पास क्वेश्चन वही है परंतु मेथड का आप अलग यूज कर रहे हैं, तो 42,000। फिर आपने क्या निकालनी है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टेड आपके पास दी हुई है 3 लाख, क्योंकि इसका फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, तो नॉर्मल रेट भी आपके पास दिया हुआ है 10%, और फिर आपने इसको निकाला तो आपके पास आया ₹30,000, ये जो आपके पास आया वो क्या है जी नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास दिया है 42,000 माइनस आपके पास जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, फिर आपने जो इसको निकाला तो आपके पास आया है सुपर प्रॉफिट जो है आपके पास आया 12,000, फिर आपने गुडविल को निकाला जी, गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इसके बाद जो आपने जब इसको निकाला तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आपका दिया 12,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास दिए 4 ईयर, तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू आई है आपकी आपकी 48,000 आई। तो इस प्रकार से आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड आपसे पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया है, सुपर प्रॉफिट आपने निकाला था एक्चुअल प्रॉफिट जो आपके पास दिया हुआ था
और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला था उसका जो डिफरेंस था वो आपके पास सुपर प्रॉफिट था, तो सुपर प्रॉफिट को आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास आया था 12,000, तो 12,000 आपने लिख दिया। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुडविल को वैल्यूएशन करने का फार्मूला तो होता है, वो होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास 12,000 था इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, दैट मींस रुपीज 1,20,000। तो इस प्रकार से आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी और इस प्रकार से तीनों मेथड को एक साथ किया और तीनों मेथड से किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन की, एक रिवीजन भी हो गया कि किस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को वैल्यूएशन करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो उसमें गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें तो उसमें गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो आपके पास आया गुडविल आ गई। और अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका जो डिफरेंस होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो उसका जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो इस प्रकार से आज जो हमारा टॉपिक जो मेथड थे गुडविल के जिनको हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया उनके बारे में जो है डिटेल में वीडियो बताई। अगली वीडियो के अंदर जो है कि किस प्रकार से एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है जो गुडविल आपकी लेखा पुस्तकों में दी होती है उसकी हम किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।